अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। यूके गवर्नमेंट की तरफ से गॉड्समिथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं और इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स लेवल के जो है वो ऑफर किया जा रहा है। मजीद इसके अंदर कौन से प्रोग्राम शामिल हैं और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, कितना वजीफा मिलेगा और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, ये तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली स्कॉलरशिप अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। आप देख सकते हैं गोल्ड स्मिथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन जो है इनके पोर्टल पर मैं पहुंच चुका हूँ। ये जो है वो गोल्ड स्मिथ यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप पोर्टल आप इसे कह लें वही है। और सबसे पहले मैं यहां पर आपको वैल्यू शो कर देता हूं। जो सक्सेसफुली एप्लीकेंट्स होंगे वो यहां पर आप देख सकते हैं 8,825 पाउंड जो हैं वो अलाउंस उनको मिलेगा, ठीक है। किसी किस्म की कोई ट्यूशन फी नहीं होगी, बिल्कुल फ्री जो है वो यूके गवर्नमेंट आपकी फी अदा करेगी। और फिर जो है आपके जो अकोमोडेशन है उसके लिए मतलब सिंगल स्टडी बेडरूम, गोल्ड स्मिथ हॉल ऑफ रेजिडेंस, और उसके उसके लिए आपको जो है वो एक हफ्ते के 200 पाउंड्स मिलेंगे रहने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पे हम जाते हैं और यहां पे हम लिखते हैं यूके करेंसी टू पीकेआर, ठीक है, पाउंड्स, ओके। यहां पर मैं जो है वो 8,825 लिखता हूं, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है। तो आप देख सकते हैं कितनी अमाउंट बनती है, 24,56,408 रुपए, तकरीबन 25 लाख रुपए यूके गवर्नमेंट की तरफ से सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को दिया जाएगा जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी, जो क्वालिफाई कर जाएंगे। और आपको जो है वो रहायश के लिए 200 पाउंड्स जो हैं वो मिलेंगे पर वीक, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं तकरीबन 56,000 पाकिस्तानी रुपीज जो हैं वो आपको एक हफ्ते के रहायश के लिए खाने छाने के दिए जाएंगे, ओके हो गया। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ये तो हो गई है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब नंबर ऑफ अवेलेबल यहां पर देख सकते हैं, टू फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, टू फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है। चार स्कॉलरशिप यहां पर बताई गई है, यानी चार लोगों की सिलेक्शन करेंगे। और यहां पर जाहिर बात है कंपिटिशन बहुत हाई होगा। ईयर ऑफ एंट्री की बात करें तो 2023 के अंदर ही सिलेक्शन होकर आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल, आप मेन देखें तो यहाँ से आप जा सकते हैं। मेन मेन आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके हाई अकेडमिक मार्क्स होने चाहिए, ओके। ये जो 45% या 60% वाला जो है वो रिस्क ना ले, क्योंकि टोटली चार लोगों की सिलेक्शन होनी है। दो अंडर ग्रेजुएट में जाएंगे, दो पोस्ट ग्रेजुएट में जाएंगे, जिनके काफी हाई नंबर है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, वो अप्लाई करें, ओके। और इसके साथ साथ मजीद कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट, ये सारा कुछ रिक्वायर्ड होगा, आपका आईडी कार्ड, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है वो आपको बता दूं, आईलेट्स भी रिक्वायर्ड होगा, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपका इंस्टीट्यूट आपको बना के देगा, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो आपको बना के देंगे। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स, फिर पर्सनल स्टेटमेंट आपको लिखनी होगी 200 वर्ड्स की। यहाँ पे देखें, बी होल्डिंग एंड स्टडी ऑफ अंडर ग्रेजुएट, अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो तो आपने मिनिमम जो है वो BS 4 ईयर प्रोग्राम किया हो, ठीक है, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपके पास हो। यू मस्ट बी एलिजिबल टू स्टडी इन द UK, ठीक है। और इफ यू आर इमिग्रेशन बेल मस्ट नॉट हैव अ कंडीशन, ये सारा कुछ जो है वो मतलब आपके पास ऊपर कोई केस है, बाकी जो भी है वो आप नहीं कर सकते, मतलब आपके पास कोई भी NOC मतलब किसी किस्म का आपका ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी जुर्म में जो है वो शामिल रहे हैं या जेल गए हैं तो देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखें जी, एक ही कंट्री UK के अंदर ही आपकी स्टडी होगी, ठीक है, वहाँ पर ही आपने जाना है। उसके बाद मजीद यहाँ पर है वो आप रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर 2023 के लिए जो एप्लीकेशन हैं वो फरवरी में ओपन होंगी, यानी अब जनवरी जा रहा है तो फरवरी के अंदर जो है वो अपने एडमिशन पोर्टल को एक्टिव कर देंगे, देन आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। बाकी मजीद आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल कैन विल बी सिलेक्टेड ऑन कम्पिटिटिव बेसिस, ठीक है। इनिशियल शॉर्ट लिस्ट आपको करेंगे, आपके इंटरव्यूज होंगे,
पहले एक बंदा इंटरव्यू लेगा, फिर एक पैनल इंटरव्यू लेगा, पैनल के अंदर काफी मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो फिर आप देख सकते हैं डिफरेंट स्किल एट्रीब्यूट एक्सपीरियंसेस, बस यही मैं आपको कहूंगा, जिसके बाद पास बहुत ज्यादा डिग्रियां हैं या बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इस तरह से, और बहुत ज्यादा नंबर हैं, उसके चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पर पैनल के हवाले से यार सारी डिटेल है, ठीक है, फिर आपका पैनल जो है वो अगर ये पैनल बेस पे होगा, अगर वो चाहें तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी बेस पर, देन आप कुछ नहीं कर सकते, बाकी ये सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। अब है जी, प्रोग्राम्स आप कैसे देखेंगे, स्कॉलरशिप फाइंडर्स आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, येलो बटन है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्टडी लेवल, फी स्टेटस इंटरनेशनल के लिए फ्री है, और यहाँ पे देखिए एकेडमी रिस्क स्कॉलरशिप है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे बताई गई, फी स्टेटस है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट है, आर्ट है, कंप्यूटिंग है, एजुकेशनल स्टडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव मीडिया कम्युनिकेशंस, म्यूजिक, सोशल स्टडी, कम्युनिटी स्टडी, सोशियोलॉजी, और यहाँ पे विजुअल कल्चर्स, ठीक है। अगर आप कंप्यूटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, तो मैंने क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटिंग के हवाले से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मौजूद है, पीएचडी प्रोग्राम, पीएचडी को वैसे भी ऑफर नहीं किया गया, ओके। अब सिंपल आपने क्या करना है, जैसे आप जैसे मैंने कंप्यूटिंग के ऊपर क्लिक किया, ऐसे आप क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम शाम ओपन हो जाएंगे, देन आप किसी एक पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो उसका आ जाएगा जी नंबर ऑफ अवेलेबल। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज मैं क्लियर करूँ, जो स्टार्ट में उन्होंने बताया हुआ है अपने होम पेज के ऊपर, उसमें बताया कि चार ही हैं, हम चार लोगों की सिलेक्शन करेंगे। अगर मैं प्रोग्राम वाइज जो है वो किसी नेक्स्ट जो है वो एट्रीब्यूट के अंदर या प्रोग्राम के अंदर दाखिल होता हूं, तो देन वो कहते हैं, अब यहाँ पे देखें, 5 ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप फॉर वुमेन, अब जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है और 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। अब ये चीज स्टार्ट वाली जरूरी नहीं है कि चार ही, आप नेक्स्ट चलेंगे तो प्रोग्राम वाइज जो है वो आपके प्रोग्राम के अंदर जाके बताया हुआ है कि कितनी कितनी है, ठीक है। मजीद आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये एमए वगैरह जो है वो मेंशन किया गया है, ये कुछ डिटेल्स मेंशन की गई हैं, एडिशनल क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, और मैं आपको बता दूं यूके के अंदर जो स्कॉलरशिप हासिल करना कोई आसान काम नहीं, यूके का तो वैसे पैसों से वीजा नहीं जल्दी मिलता, ओके। इसलिए आपने बड़े अच्छे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं अभी से, अगर इंटरेस्टेड हैं अभी से करना शुरू कर दें, आप CV, आपके रिज्यूमे, पर्सनल स्टेटमेंट, आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है, बाकी इस तरह से रिकमेंडेशन लेटर्स, ये सब कुछ कैसे अप्लाई करना है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं एप्लीकेशन आर नाउ क्लोज्ड, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बता दिया है कि 2023 की जो एप्लीकेशन है ये फरवरी में ओपन होंगी, यानी लिंक फरवरी को ओपन किया जाएगा, देन यहाँ पे अपडेट कर देंगे। बाकी आप किसी किस्म का इनसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो यहाँ पे मेल है, आप इनको मेल कर सकते हैं, और आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं इसका जो पोर्टल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके सर्च कर सकते हैं, मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है देन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।